डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट बाय बेरम्स मेथड। इसके पहले हमने जॉक्स मेथड पढ़ी थी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। तो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को ज्ञात करने की दो इंपॉर्टेंट विधि हैं, एक तो जॉब मेथड है और दूसरी है बेरम्स मेथड। जॉब मेथड जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है, जबकि बेरम्स मेथड क्या है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है। तो बेरम्स मेथड की हम बात करें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को ज्ञात करने की ये एक पोटेंशियोमेट्रिक मेथड या पीएच मेट्रिक विधि है। इसमें क्या होता है कि किसी जो मेटल कॉम्प्लेक्स या किलेट के स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को जलीय सॉल्यूशन में ज्ञात किया जाता है और इसके अनुसार कॉम्प्लेक्स की क्रिया जो होती है कई स्टेप में संपन्न होती है। तो बेरम्स ने क्या बताया था कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो स्टेप वाइज होता है, कई स्टेप में होता है, और कॉम्प्लेक्स के कुल जो होते हैं स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट का मान उन सभी स्टेप्स के जो है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट या फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल हम कॉम्प्लेक्स हैं ML, ML2, MLN, इन कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण है हम इन इक्वेशन से अपन इसको बतलाएंगे। M प्लस L विल गिव ML और ML प्लस L ML2, MLN माइनस 1 प्लस L लिगेंड के जो भी जो नंबर है तो MLN के रूप में हम इसको बता रहे हैं, तो MLN। तो इनके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे पहली इक्वेशन के लिए, पहली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1। K1 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ML अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M और कंसंट्रेशन ऑफ L। इसी प्रकार से K2 जो हो जाएगा सेकेंड जो स्टेप के लिए ML2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ML और कंसंट्रेशन ऑफ L। इसी प्रकार से KN के लिए जो है फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, MLN अपॉन ML-1 और L की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस इक्वेशन को जो इक्वेशन 1, 2 और 3 हैं हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ML इज इक्वल्स टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M कंसंट्रेशन ऑफ L। इसी प्रकार से ML2 को हम लिख सकते हैं K2 कंसंट्रेशन ऑफ ML कंसंट्रेशन ऑफ L इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2। मीन्स स्टेप बाय स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ जो है वो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, K1 इज टू K2 L स्क्वायर और M। इसी प्रकार से MLN जो है वो क्या हो जाएगा, KN ML माइनस 1 और L इज इक्वल्स टू K डैश अप टू KN L टू द पावर N और M। तो बेरम्स मेथड में किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसा हो रहा है, स्टेप वाइज जो है फॉर्मेशन हो रहा है, एक एक स्टेप करके लिगेंड का जो है जोड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए उसके लिए स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट या फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत बेरम्स मेथड में ही एक और जो फैक्टर है वो है N-bar। N-bar इस क्या है, ये जो है प्रति मोल धातु के साथ जुड़ने वाले लिगेंड की औसत संख्या। N-bar क्या है, प्रति मोल धातु के साथ जुड़ने वाले लिगेंड की एवरेज जो है वो संख्या, मीन्स नंबर ऑफ लिगेंड बाउंड पर मेटल आयन, नंबर ऑफ लिगेंड बाउंड पर मेटल आयन। तो इस N-bar को स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के जो है ज्ञात करने, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट से रिलेटेड ये भी एक फंक्शन है, इसके आधार पर हम के जो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू को भी अपन इजीली से ज्ञात कर सकते हैं। तो N-bar इसी को क्या हो गया, धातु के साथ जुड़ने वाले लिगेंड की कंसंट्रेशन अपॉन जो है मेटल की टोटल कंसंट्रेशन। तो ये जो इक्वेशन जो अपन ने पहले ली जो पिछली जो इक्वेशन है तो उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, N-bar इज इक्वल्स टू ML प्लस 2ML2 प्लस NMLN अपॉन M प्लस ML प्लस ML2 प्लस MLN। अब ये जो इक्वेशन है, जो इन इक्वेशन को अपन और फॉर्म जो हम ML की वैल्यू अपन रख दें इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, N-bar इज इक्वल्स टू K1 M कंसंट्रेशन ऑफ M कंसंट्रेशन ऑफ L प्लस 2K1 इंटू K2 कंसंट्रेशन ऑफ M और कंसंट्रेशन ऑफ L स्क्वायर ये अप टू N मतलब KN तक है ना, अपॉन M प्लस K1 M कंसंट्रेशन L कंसंट्रेशन प्लस K1 इंटू K2 M और L स्क्वायर प्लस K1 K2 अप टू KN कंसंट्रेशन ऑफ M और कंसंट्रेशन ऑफ L। या हम इसी क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई फॉर्म में हम इसको कर दें तो ये क्या हो जाएगा,
एन बार इज इक्वल्स टू के वन, इसमें जो है हम इसको पूरा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, के वन एल प्लस टू के वन के टू एल स्क्वायर प्लस एन के वन के टू अप टू के एन एल स्क्वायर एल एन, वन प्लस के वन एल प्लस के वन के टू एल स्क्वायर प्लस के वन के टू अप टू के एन और एल टू पावर एन। तो यहाँ हम ये देखें इन इक्वेशन से, इन कॉम्प्लेक्स सेक्शन रिएक्शन के हम ये बता सकते हैं कि लिगेंड की जो कंसंट्रेशन बहुत अधिक लेते हैं, इनके जो कैलकुलेशन में जब हम इसको एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करते हैं तो लिगेंड की कंसंट्रेशन बहुत अधिक लेते हैं, जिससे सभी जो मेटल आयन हैं इस उससे उनका क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्सेशन हो जाए, और कॉम्प्लेक्सेशन की रिएक्शन के पश्चात जो अभिक्रिया मिश्रण में जो लिगेंड तो रहता ही है लेकिन मेटल आयन फ्री नहीं रहता। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो लिगेंड हम क्या ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड क्या हो जाएंगे, मेटल के साथ बाउंड हो जाएंगे, और कुछ लिगेंड क्या हो जाएंगे, फ्री भी रह जाएंगे, जबकि मेटल नहीं होगा, मेटल तो क्या बना क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एन बार इज इक्वल्स टू एल ज़ीरो माइनस एल फ्री अपॉन एम ज़ीरो, जहाँ जो एल ज़ीरो व एम ज़ीरो ये क्या है, लिगेंड एवं मेटल आयन की इनिशियल कंसंट्रेशन है, जबकि एल फ्री क्या है, कॉम्प्लेक्स के बाद बचे हुए लिगेंड की कंसंट्रेशन है। तो अपन इस इक्वेशन में देखें एल ज़ीरो और एम ज़ीरो मेटल और लिगेंड की इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता है, जबकि एल फ्री ये कॉम्प्लेक्स के बाद की बचे हुए लिगेंड की कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए हम पहले क्या है, लिगेंड के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट को भी अपन याद करते हैं, तो एच एल इज इक्वल्स टू एच प्लस एल माइनस, तो इसका जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा इस इक्वेशन का, पी डी क्यू इज इक्वल्स टू पी एच प्लस लॉग एच एल अपॉन एल। अब लिगेंड का एक ज्ञात विलयन लेकर उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बना हुआ NaOH का विलयन डालते जाएंगे, और विलयन का हम क्या ज्ञात करेंगे, पीएच ज्ञात करते जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है, तो इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, पीएच ज्ञात करेंगे। पहले जो है लिगेंड की कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी और HL की कंसंट्रेशन क्या होगी, पूरी होगी, और जो जैसे जैसे हम NaOH सॉल्यूशन डालते जाएंगे HL का मान कम होता जाएगा और L का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और pH का मान भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि HL एक क्या है, वीक एसिड है। इस प्रकार इक्वेशन जो है इसकी सहायता से हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, मेटल और लिगेंड सॉल्यूशन को मिला करके उसमें NaOH डालते जाएंगे। पहले हमने लिगेंड की कंसंट्रेशन निकाली, अब हम क्या करेंगे, मेटल और लिगेंड दोनों के सॉल्यूशंस को मिला दिए हमने, और उसमें क्या कर रहे हैं, NaOH का सॉल्यूशन के द्वारा हम उसकी विलयन के डाइट्रेशन करते जाएंगे और उसकी पीएच को नोट करते जाएंगे। तो इससे हम फ्री लिगेंड कंसंट्रेशन को इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, लॉग एल माइनस इज इक्वल्स टू पीएच माइनस बी डी पी क्यू डी इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड प्लस लॉग एल टोटल माइनस NaOH। ठीक है, इस प्रकार जो प्राप्त जो है एन बार पी एल व पी एच इनके मान से कॉम्प्लेक्स के जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट और टोटल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट ज्ञात हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अब और भी जो इस स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट में, क्योंकि ये कैलकुलेशन इसकी बड़ी टीडियस होती है, तो हम कैलकुलेशन में इसको लॉग के फॉर्म में के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब पहली जो है इंटरपोलेशन ऑफ हाफ एन बार वैल्यू, यदि एन बार और पी एल के बीच में हम ग्राफ खींचें तो एन बार के 0.1 मान पर जो पी एल की जो कंसंट्रेशन होगी के का मान हमें क्या प्राप्त होगा, के वन का, एन बार की वैल्यू हम ग्राफ खींच रहे हैं एन बार और पी एल के बीच में, तो एन बार की जहां वैल्यू 0.5 है उस पर जो पी एल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, के वन, वो क्या होगी उस कॉम्प्लेक्स के लिए, के वन होगी। इसी प्रकार से जहाँ एन बार की वैल्यू क्या है, 1.5 होगी, और पी एल जो है वो फ्री लिगेंड कंसंट्रेशन है उसके लिए वो मान होगा वो क्या होगा, के टू का मान होगा। ठीक है, तो ये इंटरपोलेशन ऑफ हाफ एन बार वैल्यू, इससे भी हम के की वैल्यू को इजीली ग्राफिकली अपन इसको याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से करेक्शन टर्म मेथड, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, के वन के टू, इनको ज्ञात करने के लिए ये जो विधि है एर्विंग रेसिटी द्वारा बताई गई, और इसके लिए भी क्या के लिए, जिसके लिए एन इजिकल्स टू टू हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके लिए एन इजिकल्स टू टू हो, तो क्या हो जाएगा, लॉग के वन इज इक्वल्स टू पी एल माइनस वन प्लस जेड, और लॉग के टू इज इक्वल टू पी एल
प्लस एन बार माइनस जेड। ये क्या है, जेड क्या है, एक सुधार पद है जिसे हम इस इक्वेशन से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी एक करेक्शन की विधि है, करेक्शन मेथड। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए पहले जो है हम के वन के टू की वैल्यू के एन बार निकाल लेंगे और फिर इसके उसको ग्राफिकली के आधार पर कि इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की यदि 0.5 एन बार पर के वन की वैल्यू आ रही है, 1.5 पर एन बार की वैल्यू क्या हो रही है, के टू की जो है वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। अब एक और मेथड है जिसको हम कह रहे हैं लीस्ट स्क्वायर्ड मेथड। लीस्ट स्क्वायर्ड मेथड में क्या हो रहा है कि इसमें इस इक्वेशन को जो है अपन जो इक्वेशन नंबर जो है 14 जो हम बोल रहे हैं जो एन बार इज इक्वल टू, उसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एन बार इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 0 upon n बीटा आई और एल। तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए, आई इज इक्वल टू क्या है 1 के लिए, तो के वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के वन इज इक्वल टू एन बार अपॉन 1 माइनस एन बार इंटू एल, या लॉग के वन इज इक्वल टू लॉग एन बार अपॉन 1 माइनस एन बार प्लस पी एल। इसी प्रकार से आई इज इक्वल टू 2 ली स्क्वायर मेथड है, तो इसके लिए भी लॉग के टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 2 PL प्लस लॉग एन बार अपॉन 2 माइनस एन की वन। तो इन इक्वेशन जो सरल जो है वो इक्वेशन है और एन बार व एल के विभिन्न मानों को हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो हमें एक सीधी जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिनसे हम के वन और के टू के वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि द्वारा क्या होता है कि इस पोटेंशियोमेट्रिक विधि द्वारा सही जो है रिजल्ट निकलते हैं, प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल विधि है और ग्राफिकली के माध्यम से भी हम इसको जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो बेरम्स के द्वारा पहले हम के वन के टू फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देंगे और उसी प्रकार से हम ग्राफिकली किसकी वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, एन बार के आधार पर भी हम जो है वो जो डिफरेंट फंक्शन में हैं तो हम के वन और के टू की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।